हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बीजी तो नहीं है आप? नहीं नहीं बोलिए। अब वो एक चीज मैंने बीच में पूछी थी, वो बात बीच में रह गई थी। मैंने बोला नहीं, इनको भी पीछे चक्कर आ रहे हैं, जैसे इनको काफी जैसे ये चक्कर किस टाइप के आ रहे हैं? मतलब सर घूम जाता है? सर घूम जाता है आपका? हाँ, सर करवट बदलते हैं, सर घूम जाता है। इसको वर्टिगो बोलते हैं। सर घूमता है, उठने बैठने में, करवट लेने में ऐसे हो जाता है। सर ये कुछ कोरोना से रिलेटेड है शायद। मेरे को एक्चुअली लास्ट ईयर कोरोना हुआ था। हाँ। तो जब कोरोना ठीक हो गया ना मेरा, तब मेरा सर घूमना शुरू हो गया। फिर 5-7 दिन रहा, फिर 15 दिन ठीक हो गया, फिर 5-7 दिन रहा, फिर 15 दिन ठीक हो गया, फिर 5-7 दिन रहा। इस साल भी अभी मेरे को 2-3 महीने पहले फिर हो गया था 7 दिन के लिए, और बड़ा बुरा हाल। वैसे कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं, और उसमें जितना कम चलो फिरो ना उतना ये रहता है ज्यादा, और चलते फिरते भी कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगर ये वॉक एंड रेस्ट चालू करेंगे ना तो 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अदरवाइज दवाई लेनी शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से तो एडिक्टिव है, क्योंकि मेरी मदर भी ये दवाई लेती थी। जब शुगर ज्यादा देर रहने रह जाती ना तो ये शायद कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वर्टिगो की, और फिर उसके बाद अगर आप दवाई लेते शुगर होगी चलती रहती है। तो मेरे को हुआ था 5-5, 7-7 दिन के लिए, पर उसके बाद ठीक हो गया। तो उसके बाद परफेक्टली ठीक होता है, फिर कुछ नहीं होता। नहीं तो कोरोना तो इनका नेगेटिव है, पिछले महीने में 3 बार इनका टेस्ट कराया हमने। सर उससे मेरा तो हमेशा नेगेटिव है। पहली बार जब हुआ था उसके बाद मैंने कहा ना 3 बार पहले हुआ, 2 एक बार इस बार हुआ। इस बार तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो बुखार भी नहीं हुआ कभी, और ना ही कोई खांसी जुकाम कोई और प्रॉब्लम है। तो मतलब पूरा काम कर रहा हूँ और कोई इशू नहीं है, पर हो गया था ये। तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उससे है कि ये वर्टिगो वाली कंप्लेंट आ रही है लोगों को, और ठीक होने के बाद भी आ रही है, और वैसे भी हो रही है। जो नेगेटिव हो जाते हैं ना उसके बाद भी आती है। तो ये इनका क्या शुगर से रिलेटेड हो सकता है? शुगर भी काफी ज्यादा रहती है, 400-450 उससे भी हो सकता है। सर ये शुगर से रिलेटेड नहीं है, ये वर्टिगो अगर होना चाहिए तो शुगर कम होने की वजह से होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको सेल वगैरह का सब समझाया था। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस से रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना में लोग ज्यादा पानी पीते हैं तो शुगर ज्यादा हो जाती है, तो उस समय कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, देखिए दिन में खत्म होता है कि नहीं होता। वॉकिंग चालू करेंगे तो शायद ठीक होता है। काफी दिन होगा इनको, तो हम देखो वर्टिन देते हैं, वर्टिन टैबलेट आती है ना, वर्टिन टैबलेट होती है इनकी, वर्टिगो की जो होती है वही देते हैं इनको, तो उससे ठीक हो जाता है। हेलो। हाँ हेलो, मैं कहीं तो टैबलेट देते हैं, टैबलेट तो उससे जब देते तब तक ठीक रहती है, उसके आदमी बंद करते टैबलेट तो वापस हो जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे? इनको टैबलेट देते हैं ना इसके चक्कर आने की टैबलेट है। हाँ, चक्कर की बढ़ती है तो फिर ठीक हो जाता है। जब तक टैबलेट देते रहते हैं बंद करते हैं तो फिर वापस हो जाते हैं। भाई सर, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया ना कि ये ब्लड से रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और ब्लड से रिलेटेड थोड़ा बहुत का मतलब क्या है कि गॉड, एक मिनट की। हेलो। हाँ जी, एक सेकेंड। मैं आपको करता हूँ, एक मिनट अभी करता हूँ।